पापे की कहानियाँ मस्ती में बोलो। ग्रैंडपा जॉर्ज आप कहाँ हो? आज पेपा जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग के साथ बगीचे में खेल रही है। वो शोर कैसा है? आपको ढूंढ लिया। पेपा को जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग एक झाड़ी में मिलते हैं। यहाँ बहुत आरामदायक लग रहा है। हाँ, मुझे बचपन वाले बगीचे की मांद की याद आ गई। यहाँ बगीचे में मांद बना सकते हैं ग्रैंडपा? हाँ, बेशक। अरे वाह! बगीचे को मांद बनाने के लिए सभी ने बागवानी वाले खास दस्ताने और जूते पहने हुए हैं। पहले हमें इन स्पेड से गड्ढा खोदना होगा और खूब सारी लकड़ी और टहनियाँ लानी होगी। पेपा को ग्रैंडपा पिग के साथ गड्ढा खोदना बहुत अच्छा लगता है। शाबाश पेपा। और जॉर्ज को टहनियाँ इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है काफी टहनियाँ हो गई है। शाबाश जॉर्ज। अब ग्रैंडपा पिग छेद में टहनियों को ठोक रहे हैं। सभी पीछे खड़े हो जाओ। अंत में ग्रैंडपा पिग लकड़ी से छत बनाते हैं और पेपा और जॉर्ज ढेर सारे पत्तों से छत को ढक देते हैं। हमें पत्ते क्यों चाहिए ग्रैंडपा? उनसे मांद अच्छी और गर्म रहती है, सुरक्षित और बढ़िया लग रही है। शाबाश। अरे वाह! अंदर जाने से पहले हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पेपा। ग्रैंडपा पिग ने पेपा को एक खास बैकपैक दिया है। सभी अपनी नई बगीचे वाली मांद में बहुत खुश है। ग्रैंडपा, हम बगीचे के मांद में क्या करते हैं? मांद में मेरा पसंदीदा काम है पिकनिक मनाना। खास बैकपैक बगीचे के फलों से भरा हुआ है। पेपा और जॉर्ज को गार्डन डेन में पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है। पेपा, जॉर्ज, तुम कहाँ हो? आज पेपा और जॉर्ज ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। लगभग हो गया। पेपा पहली बार पिकनिक के पैकिंग की जिम्मेदारी संभाल रही है। क्या तुम ठीक हो पेपा? ये सारे खिलौने पिकनिक के लिए ले जाने हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहे। क्या तुम्हें अपने सारे खिलौने चाहिए? समझ गई। मैं इनकी जगह बस टेडी को ले जाती हूँ। और डायनासोर। शानदार। अगर हम तुम्हारे सारे खिलौने ले जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। पिकनिक के लिए तुम कैसा खाना बनाना पसंद करोगी पेपा? ओह, चलो स्पगेटी बनाते हैं। मुझे स्पगेटी पसंद है। पिकनिक के लिए स्पगेटी उतना भी अच्छा खाना नहीं है। सैंडविच कैसा रहेगा? मुझे भी सैंडविच बहुत पसंद है। तुम्हें किस तरह का सैंडविच पसंद है? पेपा, जॉर्ज और ग्रैनी पिग जैम सैंडविचेस बना रही है। क्या हमें पिकनिक के लिए कुछ और चाहिए पेपा? हमें पिकनिक के लिए आरामदायक कंबल चाहिए। क्या आप ला सकते हैं ग्रैंडपा? अभी लाया पेपा। अरे यार, जैम सैंडविचेस बनाने में काफी उथल पुथल मच जाती है और उथल पुथल को साफ करने में और भी उथल पुथल मच गई है। कोई बात नहीं, अगर जैम ना गिरे तो जैम सैंडविच कैसे बनेगा? पेपा की सैंडविचेस तिकोन है, हो गया। और जॉर्ज की डायनासोर है। कंबल रख लिया। क्या हमें कुछ और चाहिए पेपा? हमें अपने ऑरेंज जूस के लिए कप्स चाहिए।
शाबाश पेपा, लगता है हम जाने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत मजा आने वाला है। अरे यार, बारिश हो रही है। बारिश में पिकनिक उतनी मजेदार नहीं लगती। लगता है हमें आउटडोर पिकनिक के लिए इंतजार करना होगा पेपा। लेकिन क्यों ना हम इसकी जगह इंडोर पिकनिक मनाएं? पेपा ने तय किया कि वो अपने घर में पिकनिक मनाएगी। अब हम कभी भी पिकनिक मना सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो तभी भी। और मैं अपने सारे खिलौने ला सकती हूँ। पिकनिक। सभी को पेपा की पिकनिक बहुत अच्छी लगती है और पेपा को उनके पेपा पिक की कहानियाँ मस्ती में डिनर का समय हो गया है, लेकिन डिनर जल गया है। अरे बाप रे, क्या हम अभी भी इसे खा सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें टेक अवे से खुद को दावत देनी चाहिए। हम चुनते हैं कि हमें कैसा खाना पसंद है और ये हमारे घर तक डिलीवर किया जाता है। यहाँ चाइनीज टेक अवे है, इंडियन टेक अवे है और सुशी है। क्या हम इसे मंगवा सकते हैं? पेपा चाइनीज टेक अवे ऑर्डर करना चाहती है। चलो ये ले और ये, और भूलना नहीं वो खास सरप्राइज। पेपा और उसकी फैमिली ने खूब सारा जायकेदार खाना ऑर्डर किया है। ये अब क्या होगा? वैसे पहले रेस्टोरेंट को खाना बनाना पड़ता है और फिर वो उसे डिलीवर करते हैं। लेकिन वो कैसे जानेंगे कि हम कहाँ रहते हैं? जब हमने टेक अवे ऑर्डर कर दिया तब मैंने उन्हें अपना पता दिया था। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचेगा? मिस रैबिट इसे अपनी बाइक पर लाएंगी। ओ देखो, वो बस पहुँचने वाली है। चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। पेपा और जॉर्ज गलत दरवाजे पर चले गए हैं। ये रहा तुम्हारा टेक अवे पेपा, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। मैं चलती हूँ, बहुत सारा खाना डिलीवर करना है। चावल, नूडल्स, वेजिटेबल रोल्स, और उसके बाद मिलेगा एक खास सरप्राइज। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि ये खास सरप्राइज क्या है। मुझे चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे अपने मसालेदार नूडल्स पसंद है, ये मेरे फेवरेट है। वो मेरे पसंदीदा भी हो सकते हैं। क्या मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ? पर पहले थोड़ा सा लेना। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। लेकिन वो थोड़े से तीखे लग रहे हैं। पेपा को मसालेदार नूडल्स ज्यादा पसंद नहीं आए। ये लो, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल ट्राई करो। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल मेरे पसंदीदा है। पेपा और उसकी फैमिली ने अपना चाइनीज टेक अवे खत्म कर लिया है। क्या अब तुम खास सरप्राइज के लिए तैयार हो? अरे इन्हें कहते हैं फॉर्च्यून कुकीज। इनके अंदर होता है गुड लक लाने वाला एक खास मैसेज। इस गुड लक का स्वाद लाजवाब है। पेपा को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। सभी को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। पेपा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है, पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है। परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बुल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया। सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स हैं। अपनी मनपसंद चुन लीजिए।
ओह, एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा। किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे। लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है। क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पेपा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बस बस। आज पेपा को उस समय का वीडियो मिला है जब वो छोटी बच्ची थी। मैं बहुत शोर शराबा करने वाली बच्ची थी, है ना डैडी? कभी कभी सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ये तब का होगा जब मैं प्रेग्नेंट थी और जॉर्ज पेट में था। प्रेग्नेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उस समय मेरे पेट में था। मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही हो पेपा? देखिए, अब मेरे पेट में भी एक बेबी है। बहुत अच्छे पेपा। अब जिनके पेट में बेबी होता है वो लोग क्या करते हैं? मुझे खूब सारी मजेदार इच्छाएं होती थी, जो तब होती है जब आप वाकई कुछ खास खाना चाहते हैं। वाह! पेपा भी मजेदार इच्छाएं दिखाने का फैसला करती है। मैं भी वाकई खाना चाहती हूँ स्पगेटी। पेपा को लगता है कि खाने की इच्छाएं तो जायकेदार है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। जब आपके पेट में बेबी था तो और क्या क्या होता था मम्मी? वैसे मैं काफी थक जाती थी, तो भले लोग मुझे अपनी सीट ऑफर करते थे ताकि मैं जरूरत पड़ने पर बैठ सकूं। हेलो पेपा। मेरे पेट में एक बेबी है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको मुझे अपनी कुर्सी देनी होगी प्लीज डैडी। अच्छा, ये लो। और जब कभी मेरे पैरों में दर्द होता था तो डैडी पिग मेरे पैरों की मालिश करते थे। पेपा को पैर की मालिश का आइडिया अच्छा लगा। डैडी, मेरे पैर में दर्द है तो मुझे पैर की मालिश करवानी है प्लीज। ओह अच्छा, ये लो अभी करता हूँ। डैडी पिग की पैर की मालिश मालिश कम और गुदगुदी ज्यादा लगती है। ओह वैसे एक और चीज हुई थी जब मम्मी पिग प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? आखिरकार नन्हा सा बेबी आया। आंटी पिग बेबी अलेक्जेंडर के साथ मिलने आई है। हाय बेबी अलेक्जेंडर, मैं ऐसा नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बेबी है, अब हम ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बेबी तुम हो। वैसे असली बेबीज काफी शोर करते हैं, तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह कुशन रख लेती हूँ। Oh. Oh.
पेपा और उसके दोस्त सीसो पर खेलने जा रहे हैं। रुको! क्या कोई परेशानी है मिस्टर बुल? बस सीसो की मरम्मत कर रहा था डैडी पिग। लो, अब ये बिल्कुल सुरक्षित है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। पेपा को सीसो पर खेलना बेहद पसंद है। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे मिस्टर बुल? मजा आएगा। मैं? क्यों नहीं, आखिरकार ये ठीक हो गया है और तैयार है। वाह, मजा आ गया। लेकिन अब तुम नीचे कैसे उतरोगी? आपको ऊपर जाना होगा ताकि पापा नीचे आ सके। ओह, ऐसे? मिस्टर बुल सीसो पर नीचे की साइड फंस गए हैं। मिस्टर बुल बड़े हैं और पेपा छोटी सी है, इसलिए सीसो बैलेंस नहीं हो पाएगा। पेपा की तरफ से कुछ भारी चीज होनी चाहिए। क्या बात है, तुम्हें ये कैसे पता? मैं समझदार हूँ। चलो ठीक है। पेपा की बैकपैक से उसका वजन बढ़ जाएगा। ऊपर 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 ऊपर। हम बादलों की तरह ऊंचे हो गए हैं। मिस्टर बुल अभी भी फंसे हुए हैं सीसो की नीचे की साइड पर। मुझे लगता है नीचे रहने में भी बहुत मजा है। कितना शानदार नजारा है घास का। हमें एक बड़े की जरूरत है मिस्टर बुल के साथ खेलने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक और बड़ा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। आप बड़े हैं डैडी। अरे हाँ, मैं तो हूँ। मैं आपके साथ खेलूंगा मिस्टर बुल। डैडी पिग और मिस्टर बुल दोनों ही बड़े हैं, जिसकी वजह से सीसो बैलेंस हो गया है और ऊपर और नीचे जा रहा है। रुको! क्या आपको मजा नहीं आ रहा मिस्टर बुल? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बस नजारा देखना चाहता था। ओकीडोकी, चलो चलते हैं ऊपर आसमान में। हेलो सूरज, हेलो घास, हेलो बादल, हेलो पेपा। आज पेपा ग्रैंडपा पिग के बगीचे के फूलों के मजे ले रही है। सदा खुश रहो पेपा। ये पीली चीजें क्या है ग्रैंडपा पिग? इसे कहते हैं पराग। बम्बल बीज इसे बगीचे में ले जाती है और फूलों की बढ़त में मदद करती है। थैंक यू छोटी बम्बल बी की मदद करने के लिए। सावधानी से पेपा, बम्बल बीज को हाथ मत लगाना। पर क्यों ग्रैंडपा, ये कितनी रंगीन और प्यारी है। क्योंकि तुम काफी बड़ी हो और बम्बल भी काफी छोटी है, इसलिए शायद वो डर जाए। और जब बम्बल भी डर जाती है तो वो डंक मार सकती है। सचमुच? हाँ, इसलिए तुम्हें उनसे काफी नरमी से पेश आना चाहिए और उन्हें काफी जगह देनी चाहिए। कुछ लोगों को इनके डंक से एलर्जी भी हो सकती है। पेपा नहीं जानती कि अब उसे बम्बल बीज पसंद है या नहीं, पर बम्बल बीज दुनिया के लिए मददगार और दयालु भी होती है। इन्हीं की वजह से तो हमें शहद मिलता है। मुझे शहद पसंद है। बम्बल बीज छत्ते में शहद बनाती है, जैसे कि ये वाला। क्या मैं देख सकती हूँ, क्या मैं देख सकती हूँ? ओह रुको, छत्ते में काफी बम्बल बीज है, इसलिए पहले तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। टडा, मेरा मतलब है बस बस। पेपा, जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग खास तौर पर मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि उनके सिर, हाथ और शरीर डंक से बचे रहे। बेहतरीन। ग्रैंडपा पिग पेपा और जॉर्ज को अपने बम्बल बी के छत्ते का एक भाग दिखा रहे हैं। वो
सारी बीज उस छोटी से घर में रहती है। हाँ, ये यहीं पर तो जायकेदार शहद बनाती है। बम्बल बीज खाना इकट्ठा करने और एक दूसरे का बचाव करने के लिए एक टीम की तरह काम करती है। जैसे मैं और जॉर्ज, हम भी है जैसे बम्बल बीज। बीज जो शहद बनाती है उसका क्या होता है? वैसे हम इसे इस तरह से जार में डालते हैं। ग्रैंडपा पिग एक कांच के जार में ताजा शहद इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हम लंच के लिए जायकेदार हनी सैंडविच बनाते हैं। ये अब तक का सबसे बढ़िया सैंडविच है। थैंक यू छोटी बी। पेपा को हनी सैंडविच पसंद है और पेपा को बम्बल बीज उनके दयालु कामों की वजह से प्यारी लगती है। कर ही लिया था। पेपा पिन्याटा को खोलने की और अंदर से चीजें निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आज पेपा का प्ले ग्रुप एक मेक्सिकन छुट्टी के बारे में सीख रहा है जिसका नाम है सिंको डे मायो। अरे बच्चों, क्लासरूम को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए हमें और ज्यादा सजावट करनी होगी, तो चलो पॉम पॉम फूल बनाते हैं। पॉम पॉम, मैं, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। पॉम 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 पॉम। बस कार्डबोर्ड की टहनी को टिश्यू पेपर के बॉल के बीच में लगा दो और हो गया। मैं ये फूल बना नहीं पा रही। मैं मदद करती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। ओह डियर। सभी ने बहुत सारे पॉम पॉम फूल बनाए हैं। हमने ज्यादा तो नहीं बना दिए। बिल्कुल नहीं। अब हमारा क्लासरूम है बहुत ज्यादा खुशनुमा। अगली चीज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट गुआकामोल। गुआकामोल? गुआकामोल, ये मेक्सिकन ट्रीट बनती है एवोकाडो से, और हम इसे गाजर या ककड़ी या टोर्टियाज नाम की खास क्रिस्प के साथ खाते हैं। गुआकामोल। मैडम गजेल एवोकाडो छील रही है और कटोरे में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिला रही है। अब हमें इनको एक साथ मसलना होगा। गुआकामोल, क्या कोई थोड़ा सा गुआकामोल चखना चाहेगा? हाँ प्लीज। स्वादिष्ट। यम्मी गुआकामोले, यम्मी गुआकामोले। बढ़िया पेपा, सिंको डे मायो का जश्न मनाने का एक और तरीका है गाना गाना। यम्मी गुआकामोले, यम्मी गुआकामोले, यम्मी गुआकामोले। और डांस करना एक खास हिस्सा है सिंको डे मायो का। पेपा ने पिन्याटा पर निशाना लगाया और खूब सारी मिठाइयाँ बरसने लगी। पेपा अपने पहले सिंको डे मायो के मजे ले रही है और उसे डांस करने में बहुत मजा। आज पेपा और उसके दोस्त वाटर पार्क में हैं। हेलो बच्चों। हेलो मिस रैबिट। आप लोग स्विमिंग जाओ, इसके पहले मैं आपको कुछ जरूरी नियम सिखाना चाहूंगी। मिस रैबिट सभी को स्विमिंग पूल में सुरक्षित रहने के तरीके बता रही है। पहला नियम है कोई छींटा कशी नहीं। छींटा कशी ना करें मिस्टर बोल। ओह सॉरी पेपा, सॉरी मिस रैबिट। कोई बात नहीं मिस्टर बोल। दूसरा नियम है कोई दौड़ा भागी नहीं। बच्चों
बुरी बात मिस्टर बुल, दौड़ा भागी नहीं। फिर से सॉरी। मिस्टर बुल को कोई भी नियम नहीं पता। और आखिरी नियम है, सभी शानदार समय बिताएं। आपका समय शानदार बीते मिस्टर बुल। सही कहा पापा। पूल के मजे लो बच्चों। हम सबसे पहले क्या करें? चलो वाटर स्लाइड पे चलते हैं। हुरे! हुरे! सभी वाटर स्लाइड राइड के लिए काफी जोश में हैं। हेलो फिर से, कौन स्लाइड से नीचे जाना चाहता है? मैं। तुम लकी हो, हर एक के लिए एक एक स्लाइड है। चलो रेस करते हैं। बढ़िया आइडिया, लकी हो कि मैं झंडा लाई हूँ। ऑन योर मार्क गेट सेट गो। और डैनी डॉग सबसे आगे, साथ साथ है पेपा, उसके बाद जिरल जिराफ और सूजी शीप पीछे आती हुई। कोई भी जीत सकता है वाटर स्लाइड रेसिंग अपने बेहतरीन पड़ाव पर। हेलो ग्रैनी। हेलो मिस्टर बुल। वो करीब करीब फिनिश लाइन पर है। ये कांटे की टक्कर है, कौन करेगा टॉप? ये टाई हो गई, सभी जीत गए। पेपा और उसके दोस्तों को स्लाइड बहुत पसंद आई, लेकिन वाटर पार्क का पहला नियम वो भूल गए हैं। कोई छीना किसी नहीं। हेलो, मैं हूँ राजा पेपा। आज प्ले ग्रुप का एक नया दिन है और सभी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि पेपा एक राजा है। मैं राजा हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी को स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। बेशक मेरे महाराज। राजा पेपा प्ले ग्रुप का राजा होने के मजे ले रही है, उसे स्वादिष्ट खाना वाकई पसंद आ रहा है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी किशमिश महाराज। ओ शुक्रिया कैंडी, मुझे किशमिश बहुत पसंद है। लेकिन मेरा पेट काफी भर गया है। क्या मैं राजा बन सकता हूँ अगर आप थक गई हो राजा पेपा? अच्छा आइडिया है, ये लो राजा पेड्रो। अब पेड्रो पोनी प्ले ग्रुप का राजा है। मैं कहता हूँ कि सब लोग कुछ लो। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि उछलने में मजा आता है। राजा पेड्रो ने सही कहा, उछलने में मजा आता है। बहुत अच्छा उछल रहे हो डैनी। शुक्रिया राजा पेड्रो। हॉप हॉप। किंग पेड्रो, आपने कहा था कि सबको उछलना है, मतलब आपको भी। ओ, सही कहा। हॉप। क्या तुम अब राजा बनना चाहती हो कैंडी? म्याऊ। हाँ बिल्कुल। आप कैंडी राजा है। मैं कहती हूँ कि सब को एकदम शांत रहना चाहिए। हाँ? अब सभी को बोलना है जोर से। हर कोई राजा कैंडी और राजा डैनी के नियमों के भरपूर मजे ले रहा है। शांति से, जोर से। अब जॉर्ज राजा है।
डायनासोर। हुरे! राजा जॉर्ज कहते हैं कि सभी को डायनासोर जैसी चीजें करनी चाहिए। सभी को प्लेग्रुप का राजा बनना पसंद आता है, लेकिन सभी को डायनासोर बनना सबसे ज्यादा पसंद आता है। पेपा और उसके दोस्त सीसो पर खेलने जा रहे हैं। रुको! क्या कोई परेशानी है मिस्टर बुल? बस सीसो की मरम्मत कर रहा था डैडी पिग। लो, अब ये बिल्कुल सुरक्षित है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। पेपा को सीसो पर खेलना बेहद पसंद है। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे मिस्टर बुल? मजा आएगा। मैं? क्यों नहीं, आखिरकार ये ठीक हो गया है और तैयार है। वाह, मजा आ गया। लेकिन अब तुम नीचे कैसे उतरोगी? आपको ऊपर जाना होगा ताकि पापा नीचे आ सके। ओह, ऐसे? मिस्टर बुल सीसो पर नीचे की साइड फंस गए हैं। मिस्टर बुल बड़े हैं और पेपा छोटी सी है, इसलिए सीसो बैलेंस नहीं हो पाएगा। पेपा की तरफ से कुछ भारी चीज होनी चाहिए। क्या बात है, तुम्हें ये कैसे पता? मैं समझदार हूँ। चलो ठीक है। पेपा की बैकपैक से उसका वजन बढ़ जाएगा। ऊपर 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 ऊपर। हम बादलों की तरह ऊंचे हो गए हैं। मिस्टर बुल अभी भी फंसे हुए हैं सीसो की नीचे की साइड पर। मुझे लगता है नीचे रहने में भी बहुत मजा है। कितना शानदार नजारा है घास का। हमें एक बड़े की जरूरत है मिस्टर बुल के साथ खेलने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक और बड़ा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। आप बड़े हैं डैडी। अरे हाँ, मैं तो हूँ। मैं आपके साथ खेलूंगा मिस्टर बुल। डैडी पिग और मिस्टर बुल दोनों ही बड़े हैं, जिसकी वजह से सीसो बैलेंस हो गया है और ऊपर और नीचे जा रहा है। रुको! क्या आपको मजा नहीं आ रहा मिस्टर बुल? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बस नजारा देखना चाहता था। ओकी डोकी, चलो चलते हैं ऊपर आसमान में। हेलो सूरज, हेलो घास, हेलो बादल, हेलो पेपा। हेलो। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिग का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया।
सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया, फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। पेपा और रेबेका रैबिट आज तक ये का महल बना रहे हैं। ध्यान से, महल को गिरा मत देना। गिरने ही वाला था, संभाल लिया, बच गया। हमने कर लिया, अब हमें इसे अंदर से सजाना होगा। कुछ तो कमी है। कुछ खाने के लिए। मम्मी। तकिए का महल कितना सुंदर लग रहा है। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? बिल्कुल, अब भी आई, कहीं मत जाना। चलो ऐसा सोचते हैं कि तकिए का महल अंदर से बहुत बड़ा है। पकड़ो पेपा। चलो अब यूं ही ऐसा सोचते हैं कि ये कितना उछालता है, जैसे कोई ट्रैम्पोलिन। आहा, ये कितना उछालता है। अरे नहीं, ओ गेंद उछलकर वहाँ चली गई। चलो हम भी उसके पीछे जाते हैं। ये फ्लोर हरा है, तो चलो ऐसा सोचते हैं कि ये दलदल जैसा है। लेकिन गेंद तो यहाँ नहीं है, शायद वहाँ हो। ये कमरा नीला है, तो चलो सोचते हैं कि यहाँ ठंड है। ये रही गेंद। वाह, चलो यहाँ से चलते हैं। हम कौन से रास्ते से आए थे? पेपा, तुम कहाँ हो? हम तकी के महल में खो गए हैं। मैं आकर तुम्हें ढूंढती हूँ। नहीं मम्मी, महल बड़े लोगों के लिए नहीं बना है। ओह, मैं किसी भी चीज में फिट हो सकती हूँ। मम्मी पिग हंस गई है। मम्मी, आपके हिलने डुलने से महल टूट रहा है। सॉरी। इन सब चीजों को यूं ही सोचते हुए मुझे तो और भूख लग गई। अच्छा हुआ मैं खाने के लिए कुछ लाई हूँ। आप बस हमें से तकिए के नीचे खोजना है। मिल गया। ये तो बड़ा सा है। दादी पिग पेपा और जॉर्ज से लंच के लिए कुछ फल और सब्जियां ढूंढने के लिए कहती हैं। लिस्ट में पहली चीज है वो फल जिसका रंग हो सकता है लाल या हरा। तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? जॉर्ज, हमारे पास खाने का समय नहीं है, हमें लंच के लिए फल ढूंढने होंगे। ओह, सेब, वो लाल या हरे हो सकते हैं।
अगली चीज हमें ढूंढनी होगी एक लंबी सब्जी जो नारंगी रंग की हो और हो कुरकुरी। मुझे पता है, रिबेका रैबिट हमेशा प्ले ग्रुप में गाजर लाती है। वो लंबे नारंगी और कुरकुरे होते हैं। दादाजी, गाजर के पेड़ कहाँ है? सारी सब्जियाँ पेड़ों पर नहीं उगती, कुछ सब्जियाँ जमीन के अंदर भी उगती है। मैं मदद करती हूँ जॉर्ज। लिस्ट में अगली चीज है वो सब्जी जो दिखती है छोटे पेड़ों जैसी। दादाजी, मुझे सिर्फ बड़े पेड़ दिख रहे हैं, छोटे बिल्कुल नहीं। ये तो छोटे पेड़ों जैसे लग रहे हैं। ये है ब्रोकली। बहुत बढ़िया पेपा। लिस्ट में आखिरी चीज है संतरे। अजीब बात है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई संतरे उगाए हैं। अगर यहाँ संतरे हैं, तो मैं और जॉर्ज उन्हें ढूंढ निकालेंगे दादाजी। पेपा और जॉर्ज हर तरफ संतरे को ढूंढ रहे हैं। संतरा। रंग तो सही है, लेकिन हम ये चीज नहीं ढूंढ रहे हैं। संतरे होते हैं गोल, लेकिन उन्हें संतरे कहीं भी नहीं मिलते हैं। हमें संतरा मिल गया। ये एकदम सही रंग है और ये गोल भी है, लेकिन ये कद्दू है। संतरे। आपको ये संतरे कहाँ से मिले दादी जी? हम इन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। सुपरमार्केट से, और क्या। आज वैलेंटाइन्स डे है। पेपा पिग और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के लिए खास डिनर तैयार कर रहे हैं। ग्रैंडपा पिग मदद कर रहे हैं। अरे रे, आज हम वैलेंटाइन्स डे के लिए खास पिज्जा बना रहे हैं ग्रैनी पिग। क्योंकि वैलेंटाइन्स डे का मतलब दूसरों को अपना प्यार दिखाना होता है। मुझे पता है, हम दिल के आकार का पिज्जा बना सकते हैं। चलो अब गूंथे हुए आटे को हवा में उछालते हैं, जैसे वो रोम में करते हैं। पता है रोम इटली में है। जैसे रोम में करते हैं। हम बगीचे से सब्जियां लाकर इसे कवर कर सकते हैं। मम्मी और डैडी पिग को नहीं पता कि क्या चल रहा है। पेपा और जॉर्ज सब्जियों को इकट्ठा कर रहे हैं। पिज्जा पर खूब सारी टॉपिंग्स होने वाली है। चलो सब्जियों को अंदर लेकर चलते हैं। पेपा और जॉर्ज अपने पिज्जा पर सब्जियों को डालते हैं। मुझे पता है कि पिज्जा को और खास कैसे बनाया जाए। हम मम्मी और डैडी पिग का पसंदीदा खाना इसमें शामिल कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया पेपा। उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है? स्पगेटी और चॉकलेट केक। हमें मम्मी और डैडी जैसा दिखने वाला पिज्जा बनाना चाहिए। पेपा और जॉर्ज पिज्जा टॉपिंग से चेहरे बनाते हैं। अब ये वाकई खास है। जॉर्ज। ये रहे आपके एकदम खास वैलेंटाइन्स डे पिज्जा। चॉकलेट केक, मेरा पसंदीदा।
डायनासोर। एक स्पगेटी डायनासोर। धन्यवाद पेपर जॉर्ज। देखने से ही खाने का दिल कर रहा है। मम्मी और डैडी पिग को लगता है कि वैलेंटाइन्स डे वाकई बहुत खास रहा है। आज सभी पेपा के बगीचे में खेल रहे हैं। एमिली एलिफेंट एक बड़े से कीचड़ वाले गड्ढे में फिसल कर गिर जाती है। मॉन्स्टर! नहीं, मॉन्स्टर्स असली नहीं होते। ये एक कांटेदार चूहा। कांटेदार चूहा भी कीचड़ में फिसल कर गिर गया। चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। कांटेदार चूहा कांटेदार बॉल की तरह हो गया है, पर एडमिंड जानता है क्या करना है। हमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी, क्योंकि कांटेदार चूहा डर के कटीला हो गया है, तो हमें सावधान रहना होगा। मम्मी पिग, डैडी पिग। मम्मी पिग सबको कीचड़ भरे गड्ढे से निकलने में मदद करने आ गई है, और डैडी पिग कांटेदार चूहे की मदद कर रहे हैं। उनके मोटे दस्ताने उन्हें कांटेदार चूहे की नुकीली पीठ से बचा रहे हैं। आप कांटेदार चूहे को यहाँ रख सकते हैं। यहाँ मोटा सा कंबल है, तो बढ़िया और आरामदायक रहेगा। कंबल। बहुत बढ़िया। अब सावधान रहना, शायद कांटेदार चूहा थोड़ा सा कांटेदार हो। अरे वाह! मैं तुम्हें बुलाऊंगी कटीले। कटीले। डॉक्टर हैमस्टर ये चेक करने आए हैं कि कटीला सुरक्षित और स्वस्थ है। मुझे मदद के लिए बुलाने का फैसला सही था। कटीला घूमकर फिर से बॉल जैसा बन गया। कटीला ऐसा क्यों करता है डॉक्टर हैमस्टर? कांटेदार चूहे डर के मारे बॉल बन जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ओह, तो कटीला डरा हुआ है। यहाँ काफी शोर है ना? अगर हम चुप रहें, तो एक टुकड़ा सेब का कटीले को शांत करने में हमारी मदद कर पाए। पेपा और एमिली एलिफेंट जरूरत से कुछ ज्यादा ही सेब ले आए। हुरे! बस खाना और आराम, और फिर हम कटीले को गार्डन में छोड़ सकते हैं जब सूरज डूबने लगेगा। हम अभी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कांटेदार चूहों को अंधेरा अच्छा लगता है, जिसका मतलब है उन्हें रात में घूमना और दिन में सोना पसंद है। मुझे सब पता है, मैं कितना स्मार्ट हूँ। अरे माफ करना कटीले। सूरज डूब रहा है, इसका मतलब है कि कटीले के घर वापस जाने का वक्त हो गया है। कांटेदार चूहे कहाँ रहते हैं डॉक्टर हैमस्टर? कहाँ? कांटेदार झाड़ी में। बाय कटीले, हमें जल्दी मिलने आना फिर से। सभी को कटीले के साथ समय बिताकर और उसे सुरक्षित घर जाते देखकर अच्छा लगा। पेट्रो कोनी, कैंडी कैट, मैंडी माउस, जेरल जिराफ और डैनी डॉग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो मम्मी, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो पापा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। सबसे अच्छा स्कोर पाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। वाह! पापा को चमचमाती हुई ट्रॉफीज पसंद है। पापा, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी? नहीं थैंक यू, मैं अकेले ही खेलूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले खेलना चाहिए पापा। पर अकेले खेलूंगी तो ट्रॉफी पूरी मेरी होगी। सारे एक तरफ है और पापा उनसे अकेले खेलने जा रही है। अरे नहीं, अच्छी कोशिश थी पापा, एक बार और करो। मुझे और जोर से किक करना चाहिए। लगभग कर ही लिया। बस अब करने ही वाली हो। शायद मेरे दूसरे पैर से हो जाए। तुम्हें अपने बॉल से स्कोर करना है, जूते से नहीं। ये कितना मुश्किल है। तो फिर क्यों ना तुम गोल करो। अच्छा आइडिया है मम्मी,
मैं एक शानदार गोल करने वाली बनूंगी। गोल! हुर्रे! मम्मी, वो गोल कर पा रहे हैं पर मैं क्यों नहीं? पेपा, ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल टीम वर्क है। और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं तो तुम टीम में खेलोगी कैसे? क्या मैं आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल तुम आ सकती हो, हमारे पास एक शर्ट भी बची है, ये रही तुम्हारे लिए। हुर्रे! लेकिन गोल के लिए कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी, बस कोशिश करके इसे मेरे पास तक लाओ। पेड्रो, तुमने गोल कर दिया तो ये ट्रॉफी तुम्हें मिलती है। ओह, लेकिन हमने एक साथ मिलकर गोल किया है पापा, एक टीम की तरह। सही बात है, ट्रॉफी तुम सबको मिलेगी। पेपा अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलते हुए खूब मजे कर रही है। कितना ठंडा है। लेकिन वो जो भी खेल खेल रहे हैं उसमें वो अपने आप को ठंडी बर्फ से ढक रहे हैं। हेलो डैडी। पापा, तुम बर्फ से ढक चुकी हो, मुझे लगता है अब तुम्हें अंदर के गर्म माहौल में आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम एक बर्फीली दानव में बदल जाओगी। बर्फीली दानव जैसी कोई चीज नहीं डैडी, क्या हम 5 मिनट और खेल सकते हैं? ओ ठीक है, 5 मिनट और। अरे बाप रे। पेपा और उसके दोस्त बर्फ में खूब सारे खेल खेल रहे हैं, उन्हें बर्फीले दानव बनने की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। चलो बर्फ की गेंद बनाकर खेलते हैं। ये! तुम मुझ पे नहीं फेंक पाओगे पेपा। वो शोर कैसा था? ऐसी आवाज थी। क्या किसी ने मेरा चश्मा देखा है? एक बर्फीला दानव। चलो छिप जाते हैं। अरे बाप रे। चलो यहाँ छिपते हैं। बर्फीला दानव हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। बर्फीले दानव ने उन्हें ढूंढ लिया। पापा, ये तो मैं हूँ। ये बर्फीला दानव नहीं है। ये है डैडी पिग। मैंने कहा था ना, बर्फीले दानव जैसी कोई चीज नहीं होती। चलिए डैडी, हम आपको गर्मी में ले चलते हैं और ये बर्फ पिघला देते हैं। और रास्ते में मेरे चश्मे भी ढूंढ लेंगे। ओह, आपका चश्मा। थैंक यू सूजी। डैडी पिग घर के गर्म माहौल में वापस आकर बहुत खुश है। अब वो बर्फीले दानव बिल्कुल नहीं रहे। सारे लोग गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट का मजा ले रहे हैं। बर्फीले दानव को भी हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है। ये लो पेपा। आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप अमेरिकन फुटबॉल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये तो बहुत उछलने वाला अंडा है। ये अंडा नहीं, ये फुटबॉल है। नहीं, फुटबॉल्स गोल होती है और आप उसे फेंकते नहीं, किक करते हो।
ये अमेरिका की खास फुटबॉल है। अमेरिकन फुटबॉल अंडे के आकार की होती है और आप ज्यादातर उन्हें फेंकते हैं। अजीब गरीब अंडे सी बॉल। अंडे सी बॉल, अंडे सी बॉल, अंडे सी बॉल। पेपा और उसका प्ले ग्रुप आज अमेरिकन फुटबॉल किट वाली ड्रेस पहने हुए हैं। तुम सब अपनी किट में शानदार लग रहे हो, खास करके तुम पेड्रो। हर टीम को चाहिए होता है एक मैस्कॉट। अब तुम खेलने के लिए तैयार हो अमेरिकन फुटबॉल, मेरा मतलब है अंडे जैसा बॉल। अंडे जैसा बॉल। पॉइंट जीतने के लिए अंडे जैसी बॉल को अच्छी तरह कैच करना आना चाहिए। पकड़ लिया। ओ, 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 तुम इस तरह से बॉल को किक करके बड़ा गोल करके भी पॉइंट्स पा सकते हो। पेपा, क्या तुम बॉल को किक करके गोल करना चाहोगी? किक करके आम फुटबॉल की तरह मुझे करना अच्छे से आता है। मुझे नहीं लगता अंडे जैसी बॉल आम फुटबॉल की तरह मजेदार है। सूजी, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? पेपा ने बॉल कैच कर ली है और उसे मिलता है एक पॉइंट। मैंने कर दिखाया। अमेरिकन फुटबॉल की सबसे बढ़िया बात है, मेरा मतलब है अंडे जैसे बॉल की, कि जब आप पॉइंट स्कोर करते हैं तो आपको डांस करना होता है। पेपा और उसके दोस्तों को अंडे जैसी बॉल पसंद है। सभी को अंडे जैसी बॉल पसंद है। पेपा और उसका परिवार बेबी अलेक्जेंडर को चर्की वाले बड़े से झूले पर ले जा रहे हैं, पर वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा। ये बदबू कैसी है? ये तो बेबी अलेक्जेंडर से आ रही है, इसकी नैपी बदलनी होगी। पर हम तो चरखी झूले के लाइन में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। सब अपनी नाक बंद कर लो। इस चरखी झूले में कितनी बदबू है। सॉरी पेपा, पर बेबी अलेक्जेंडर की देखभाल करना हमारा काम है। अगर हम अब मदद करेंगे तो बाद में खेल सकते हैं। हाँ, बेबी अलेक्जेंडर को हमारी मदद चाहिए। ये हुई ना बात, अब चलते हैं और नैपी बदलने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहाँ ठीक रहेगा। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। अरे रे, यहाँ। शाबाश पेपा, हमें नापी बदलने की जगह मिल गई है। सबसे पहले हमें खराब नापी हटानी होगी और उसे कचरे के डिब्बे में डालना होगा। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ये रहा डैडी। ऐसा करने के बाद हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। थोड़ी सी क्रीम लगानी चाहिए। ओह सॉरी पेपा,
हो ही गई। आखिर साफ सुथरी नैपी। डैडी मैं भी थोड़ा सा करके देखूं। बिल्कुल पेपा। अरे वाह, अब बढ़िया है। ये कितना मजेदार था। मैंने पहले कभी नापी नहीं बदली थी। तुमने बहुत अच्छे से बदली है पेपा। लेकिन क्या तुम जानती हो? आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्द ही पहुँच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बतख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती है बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है। रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी। हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिल डुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। हम बतख के तालाब जा रहे हैं। आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुँच ही गए। हमने कर दिखाया। ये। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला।